पहली बार भारत सरकार के मंत्री बनने के बाद मेरा प्रोग्राम हुआ था पटना और हाजीपुर। उस प्रोग्राम में अपार भीड़ थी, जो आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में, और मैं समझता हूँ कि पटना से लेकर के और हाजीपुर तक 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ थी, जबकि उस दिन बारिश हो रही थी। बारिश होने के बावजूद भी अपार भीड़ था, और हमारे कुछ विरोधी लोग हैं जो भीड़ में खलल डालने के लिए कुछ असामाजिक तत्व के माध्यम से उनका प्रयास रहा कि भीड़ जुटे नहीं और भीड़ में भगदड़ मच जाए, और जान मारने की साजिश के तहत जो बैड एलिमेंट्स था उस इलाके का, उसको उन लोगों ने एक राजा पाकड़, एक जगह है राजा पाकड़ में, शाम में उन्होंने मीट चावल और दारू पिलवाया, जो फोटो मेरे पास में है, अभी हम दिखा देते हैं। और वही लड़का सब 23 तारीख के हमारे जुलूस में, हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई थी, उन लोगों की व्यवस्था बहुत अधिक व्यवस्था था, उन लोगों को मैंने जान मारने की भी साजिश थी, लेकिन चूंकि हमारी गाड़ी बहुत भीड़ थी, गाड़ी आगे बढ़ गई, हमारे गाड़ी के पीछे में उन लोगों ने काला झंडा भी दिखलाया और स्याही भी फेंका, उसका छिटका कुछ हमारे गाड़ी पर भी पड़ा। पुलिस प्रशासन जो था हाजीपुर जिला का, वो जितना अलर्ट होना चाहिए उतना अलर्ट नहीं था। यदि पुलिस प्रशासन सक्रिय होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। फिर उसके बाद उसके कल होकर के हम लोग का वर्कर्स मीटिंग हुआ, वर्कर्स मीटिंग के बाद मैंने एसपी को कहा भी कि जो भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोग्राम हो, आपको पहले से सूचना दिया गया, फिर भी जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसका निर्वाह आपने नहीं किया, ये प्रशासनिक मिस्टेक कहिए या जो भी कहिए। उसके बाद जब हम लोगों का प्रोग्राम सफल हो गया, कल होकर के पटना में जो हमारे पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं श्री केशव सिंह जी और वरीय उपाध्यक्ष हैं महताब आलम, उनके मोबाइल पर भद्दी भद्दी गालियां और धमकी देना शुरू किया उन लोगों ने 6 बार। एक ही मोबाइल नंबर है जो पटना में थाना में दर्ज हुआ है, हवाई अड्डा थाना जो है वहाँ दर्ज हुआ, उसके शास्त्री नगर थाना में उसकी कॉपी उसमें लगा हुआ है। उसने गाली दिया और धमकाया कि तुम हीरो बनते हो, तुम ये करते हो, बहुत गंदी गंदी बात उसने किया। उसके एक सप्ताह पहले भी सोशल मीडिया पर नया था कलवा को, सोशल मीडिया पर भी पोर्टल न्यूज जो है उस पर भी एक कल्लू नाम का लड़का है जो है ना, उसने भी भद्दी भद्दी और शब्द असंसदीय शब्द का व्यवहार किया मेरे खिलाफ। उसके बाद कल की घटना है, मुझको तो मोबाइल ऑन ऑफ के सिवा हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो अहमद जी हैं इन्होंने देखा हमारे मोबाइल पर 9431025999 नंबर लिख लीजिए आप लोग, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पार्लियामेंट का नंबर है 9431025999। इस मोबाइल नंबर पर ये मेरा नंबर है, और जो वहाँ से नंबर आया जिस नंबर पर उन लोगों ने कॉल किया उसका नंबर है 9430606022। वो इसी नंबर पर, वो ये बिहार का नंबर है, पुलिस ने डिटेक्ट किया बिहार का नंबर है, और इस पर उसने बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी, धमकी दिया, मारने का भी धमकी दिया, जान से मारने का भी धमकी दिया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारी लोकप्रियता को देखते हुए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ये पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, पुलिस प्रशासन छानबीन करे कि किस आदमी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके साथ में पुलिस प्रशासन अपना काम करे। तो मैंने हमारे द्वारा कल, हमारे स्टाफ के द्वारा कल न हुआ, कहाँ गया माता, कहाँ गया अहमद, अरे यहाँ रहना चाहिए उसको, कहाँ तुम भाग जाते हो, अरे यहाँ रहिए, अभी कल ही केस हुआ यहाँ, कल एफआईआर हुआ, कौन थाना में हुआ, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में
कल हम लोग के द्वारा कंप्लेंट है, ये अभी एफआईआर नहीं हुई। कंप्लेंट है क्या है? एफआईआर दर्ज कर दिया। एफआईआर की कॉपी पीछे देखिए, ये ऊपर लिखा है कंप्लेंट। नहीं, एफआईआर की कॉपी अभी आपको मैं मंगवा दे रहा हूँ। एफआईआर जब भी होता है उसमें धाराएं सब लिखी रहती है, वो अभी दे दे रहा हूँ मैं आपको। अभी वो भेज रहे थे उसको तुरंत मंगाइए। तो हम लोग एफआईआर लिखे ना? जी हाँ, एफआईआर लिखिए, अब तुरंत उसको मंगा के आपको हम दे भी देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जान से मारने की धमकी देना, क्षेत्र में जाने के बाद गुंडागर्दी करना, काला झंडा दिखलाना, तो ये बहुत बहुत बड़े प्रशासन की तरफ से, मुझको लगता है कि बिहार प्रशासन की तरफ से चूक हुआ है। तो हम माननीय गृह मंत्री जी से, मैंने गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, माननीय गृह मंत्री जी से, और मैंने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है। इस तरह की घटनाएं घटती घटती है, और मुझको बार बार बिहार जाने का प्रोग्राम होता है। मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, विभाग के काम से अपना जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ मुझको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ अपने दल का। तो इस हैसियत से भी मुझको बिहार के पूरे देश में घूमने का मौका मिलेगा, और मुझको घूमना भी है अभी अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। तो इस ढंग से यदि जानलेवा हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसलिए आप इसकी जाँच कराएँ। जाँच कराने के बाद जो दोषी व्यक्ति है उस पर जो देश का संविधान है, जो नियम है, जो धारा है, उसके मुताबिक उसको निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।